भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय को 6 विभाग में बांटकर हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। सेकेंड हो गया बंगाल के गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? वारेन हेस्टिंग था। थर्ड में आ गया भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल फर्स्ट बार कौन बना था? लॉर्ड विलियन बेंटिंक। उसके बाद आ गया भारत की वरसराय, तो भारत का वरसराय फर्स्ट बार बना था लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद हो गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय, तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसके बाद चलो हम इसका डिटेल देखते हैं। बंगाल का गवर्नर, तो फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कितना दिनों के था? 1757 से लेकर 60 तक। उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव 2 बार भारत के गवर्नर बना। चलो अब रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल का महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन था? चलो अब वो हम देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव की घटनाएं, प्रमुख घटना रॉबर्ट क्लाइव की प्रमुख घटना। 1757 का प्लासी युद्ध के समय जो बंगाल के गवर्नर था उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्ति बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताबार तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की गई। बंगाल में द्वैत शासन का जनक हुआ, श्वेत विद्रोह इसी काल में हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट के शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। सलावत जंग तथा अलमागीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की। फर्स्ट हो गया इलाहाबाद, सेकेंड हुआ मुंगेर, तीसरा हुआ बांकीपुर पश्चिम बंगाल में। उसके बाद बंगाल का गवर्नर बना वेन्सटार्ग 1760 से 1764 तक। इसी के काल में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उसके बाद आया कार्टियर जो 1769 से 72 तक रहा। इसी के काल में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1770 में। फिर अंतिम गवर्नर बंगाल का गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 तक। तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। फिर 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों का स्थापना किया। उसके बाद बंगाल का गवर्नर को समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद लाया गया एक नया नाम, उसको दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो हम इसमें जानते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जो 1774 से 1785 तक बना। इसके काल में जो जो महत्वपूर्ण काम हुआ उसको हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों को कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। देखो कलकत्ता में 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया वारेन हेस्टिंग के समय में। फिर 1780 से 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध एवं मंगलौर की संधि हुआ, ये भी वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 में विलियम जोस द्वारा
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, विलियम जोस द्वारा स्टार्ट किया गया, चार्ल्स विलियम द्वारा गीता एवं हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित किया गया, इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया वारन हेस्टिंग के काल में, हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहितवाद किया, अभिज्ञान संकुलतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया, देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई, फिर 1775 में आसफुदौला के साथ फौजाबाद की संधि की। चलो नोट में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। पीयर्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड वर्ग द्वारा उसके द्वारा महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में इसे सभी आरोप से मुक्त कर दिया गया।